नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। लखनऊ में विधानसभा सत्र को ब्रजेश पाठक ने सदन में अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले की पार्टी ने स्वास्थ्य विभाग को लूट का अड्डा बनाया हुआ था। अखिलेश सदन में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसका जवाब प्रदेश की जनता देगी। मैं अस्पतालों का निरीक्षण करता हूं, वहीं सपाई एसी कमरों के बाहर नहीं निकलते। सपा के कार्यालय में डॉक्टर ड्यूटी से गायब रहते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अखिलेश के ट्वीट का जवाब देना मेरा दायित्व है। अखिलेश अपने कार्यकाल की फोटो ट्वीट कर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मदरसों को लेकर बयान देते हुए कहा कि मदरसों के बाद वक्फ की जांच करवाकर सरकार मुद्दा भटका रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार आजम खां को फिर फंसा रही है। पर्चा कितना महंगा कर दिया? क्या पर्चा का कीमत बढ़ाने से, 100 रुपए करने से क्या सुविधाएं अस्पतालों की बेहतर हो गई? कभी ये छापा मार डिप्टी सीएम, इन्होंने कभी महसूस किया कि डॉक्टर्स की ज़रूरत क्या है? डॉक्टर्स बजट चाहते हैं, डॉक्टर्स नई मशीन चाहते हैं। जो मशीनें लगी हैं जिससे इलाज होना है, जाँचें होनी, वो सब ऑब्सोलीट हैं। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मोहम्मद आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी को फिर गेड़ लिया, न जाने कहाँ से मशीन लेकर के आ गए, जो कबाड़ मशीन है। नगर पालिका कहती है, नगर निगम कहती है कि उनकी मशीन नहीं है, उनका कागज नहीं है। अब पुलिस जानबूझ करके मोहम्मद आजम को फंसाना चाहती है। और मुझे तो डर ये है कि एक छात्र नौजवान ने जब काला झंडा सरकार को दिखाया तो उस पर बम दिखा दिए। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करते हुए सपा पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सपा बीजेपी के सामने कमजोर है। सेक्युलर शक्तियों ने सपा को प्रमुख विपक्षी बनाया, लेकिन बीजेपी को टक्कर देने में सपा विफल है। यही कारण है कि बीजेपी को छूट मिली हुई है। बुलंदशहर के गुलावटी में पुलिस ने बंद मकानों की रेखी कर चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 लाख रुपए नगद, मोटरसाइकिल, अवैध हथियार बरामद किए हैं। बुलंदशहर के डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने गोदली आंगनवाड़ी केंद्र का देवली में पहुंचकर उपस्थित बच्चों के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर जिलाधिकारी ने 2 बच्चों को अन्नप्रसान और 2 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की। इस दौरान निरीक्षण के समय आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री निर्धारित ड्रेस में नहीं मिलने पर स्पष्टीकरण के लिए डीपीओ को निर्देश दिए हैं। देवरिया के अखिल भारतीय कार्यस्थ महासभा के जिला अध्यक्ष रमेश श्रीवास्तव ने अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने अजय देवगन की अपकमिंग मूवी को लेकर बड़ी बात कही है। श्रीवास्तव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि थैंक गॉड फिल्म में भगवान चित्रगुप्त का अपमान किया गया है। इस फिल्म को अखिल भारतीय कार्यस्थ महासभा के पदाधिकारियों ने बायकॉट करने का निर्माण किया है और उन्होंने कहा कि भगवान चित्रगुप्त को नीचा दिखाया गया है, कल किसी और भगवान को नीचा दिखाई देगा और इसलिए सभी हिंदू भाइयों से निवेदन करता हूँ कि थैंक गॉड फिल्म को बायकॉट किया जाए। अजय देवगन की जो मूवी आ रही है थैंक गॉड, उसमें अजय देवगन ने बहुत ही ओछी हरकत की है जिसका हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं किया था। और उसके डायरेक्टर हैं इंद्र कुमार जी। पहले उनकी बहुत सारी मूवी आई हैं, सुपर हिट आई हैं, लेकिन हम लोगों ने भी देखा है और सराहा है। लेकिन बॉलीवुड के लोग जो है दिन व दिन ओछी से ओछी हरकत कर रहे हैं। इसमें थैंक गॉड मूवी में हमारे आराध्य देव हैं चित्रगुप्त भगवान, उन्होंने 3 मिनट का एक सीन शूट किया है जिसमें उनके ऊपर सिद्धार्थ मल्होत्रा उसमें साइड हीरो हैं, उनका कालर पकड़ करके और उनको मारने की कोशिश किए हैं और हास्यास्पद तरीके से उनका मजाक उड़ाया गया है। साजापुर के गड़िया रंगीन थाने के पुलिस ने गांव गांव जाकर फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इनके पास से कई विद्यालय के प्रधानाध्यापक और ग्राम पंचायत अधिकारी की फर्जी मोहरे, कंप्यूटर, अन्य डिवाइस और फर्जी नंबर प्लेट लगी कार बरामद की। पुलिस पूछताछ के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साजापुर सर्किल निर्देशन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत कल गड़िया रंगीन पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। चेकिंग के दौरान 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं। उनके पास से गल्टू कार और आधार कार्ड बनाने के उपकरण, फॉर्म, फर्जी मोहरे इत्यादि पकड़े गए हैं, जिनके नाम क्रमशः नवीन शर्मा, अखिलेश और तिलक राज हैं। तीनों जलालाबाद क्षेत्र के हैं। ये लोग गांव-गांव जाकर फर्जी आधार कार्ड बनाते थे। कल पुलिस द्वारा इनको पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि हम लोग
आईडी बनाकर और फर्जी मोहरों से वेरीफाई करकर आधार कार्ड बनाते हैं और उसमें पैसा भी उगाही करते हैं। मैनपुरी के सेफई बाईपास में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर हत्याकांड का खुलासा किया है। इसको लेकर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल हुई हथियार भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर पड़ोसी ने युवक की हत्या की थी। भाजपुर में एडीएम जय भारत सिंह ने अवैध खनन के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाते हुए 16 वाहनों को सीज कर दिया। प्रशासन की कार्रवाई के चलते कई वाहन चालक वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस की देखरेख में खड़े वाहनों में से एक वाहन मौके से फरार हो गया। बता दें कि अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए उधम सिंह नगर के एडीएम जय भारत सिंह ने सोमवार देर रात एसडीएम राकेश तिवारी, तहसीलदार यूसुफ अली सहित अन्य अधिकारियों के साथ केलाखेड़ा के राष्ट्रीय राजमार्ग पर औचक निरीक्षण अभियान चलाया था। शिकायतें मिल रही थी कि इस समय चूँकि प्रतिबंधित भी है और जो क्रेशर के मटेरियल हैं या आरबीएम ओवरलोड यहां से बरेली या अन्य स्थानों पर जा रहे हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी महोदय के निर्देश भी थे, तो हम लोग अभियान चलाए हुए हैं। इसी के क्रम में कल रात को एडीएम साहब के नेतृत्व में अभियान चलाया गया और यहाँ लगभग 1.5 दर्जन गाड़ियाँ पकड़ी गई थी, लेकिन उस समय उनके वाहन स्वामी, वाहन चालक और परिचालक वाहन छोड़ के भाग गए थे, तो हम लोग उसको कांटा नहीं करवा पाए थे। तो अभी सुबह उनके वाहन स्वामी और चालक आ गए हैं और हम कांटा करवा रहे हैं। तो जो इस समय ओवर लोड पाई जा रही है उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और जिनके द्वारा वाहन छोड़ के भाग गए थे तो उसके संबंध में आरटीओ के माध्यम से उसमें रात में ही चालानी कार्रवाई की गई थी। चमोली में उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। साथ ही मांगों का शीघ्र निवारण करने की मांग की है। समन्वय समिति के मुख्य संयोजक मोहन जोशी का कहना है कि उनका संगठन एक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहा है, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं कर रही, जिसके बाद उन्हें आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर रणनीति के तहत आंदोलन चलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम पूरे प्रांत में 1 सितंबर 2022 से चलाया जा रहा है। ये चार चरणों में ये कार्यक्रम चलेगा। पहले चरण में इसमें 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक विभिन्न विभागों में गेट मीटिंग के माध्यम से जो हमारा 20 सूत्रीय पत्र है उसके बारे में कर्मचारियों को, अधिकारियों को, शिक्षकों को बताया गया। 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमारा एक कार्यक्रम विधिवत जनपद चमोली में भी चला। उसके बाद दूसरे चरण में आज जनपद मुख्यालय गोपेश्वर में इन 20 जो हमारी मांगे हैं इनके संदर्भ में विभिन्न विभागों के जितने भी हमारे इसमें विभिन्न विभागीय संगठन है उसके आधार पर यहाँ पर 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम किया गया है। और आज इस धरने के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से इन 20 मांग पत्र जो हमारे इसमें सम्मिलित है ज्ञापन दिया जाएगा। पौड़ी जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भाजवाद ने श्रीनगर विधानसभा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बागवाड़ी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने पाया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय बागवाड़ी की प्राथमिक प्रभारी प्रधानाध्यापिका अपने स्थान पर किसी ग्रामीण लड़की को छात्र छात्राओं के लिए रखा है, जिसे प्रधानाध्यापिका शीतल रावत प्रतिमा 2500 रुपये देती हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी ने प्रिंसिपल के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। ऋषिकेश के वीरभद्र रोड स्थित बाबा काली कमली के आश्रय में किराए पर कमरा लेकर रुके दो लोगों के कमरों में संदिग्ध परिस्थितियों में चोरी हो गई। पीड़ितों ने पुलिस को जानकारी देकर चोरी की वारदात करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सुबह 4 PM काली कमरे पिछले 13 सितंबर से आज सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग 4-5-10 बजे से निकला हूँ सिस्टर को देखने के लिए। एडमिट है, जैसे मैं वहाँ से लौट के आता हूँ तो रूम की ताला खोलने का मैंने पाया हुआ सामान थोड़ा सा सीरियस पड़ा, तो उसे मेरा कुछ अमाउंट पास से 18 जैसे कुछ चोरी हुआ मुझे मिला है। कितना कैश होगा लगभग सर? डेढ़ कैश मांगे चलिएगा सर। कैश इतना आपने यहाँ कमरे में क्यों रखा हुआ था सर, क्या मामला? क्योंकि सर्जरी का मामला था। अच्छा, उनकी सर्जरी होनी है, पैसे की कभी जरूरत, कई बार ATM भागना पड़ता है, ATM कैसा होता नहीं है, तो उसमें कैश अमाउंट में जरूरी चीज़ का विषय। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। We'll be right back.